काबतुल मुशर्रफा का ये दिखाएं, ये अंदर का हिस्सा इस तरह से है, मिन अल काबतुल मुशर्रफा मिन दाखिल, ये देखें ये अंदर से, जैसे हजर अस्वद, रुकन यमानी, रुकन इराकी, हतीम, और अंदर देखें इस तरह से है ये अल काबतुल मुशर्रफा का दाखिल का, इसकी ये वो है कि अंदर किस तरह से है। देखें अंदर इस तरह से है कि ये रुकन यमानी है, हजर अस्वद है, रुकन इराकी, हतीम, इस तरह से तीन पिलर अंदर हैं, और उन्हीं पिलर्स में से एक पिलर जो है वो ये रखा हुआ है कि जो बैतुल्ला के अंदर होता था। रास्ते में अगर पांव थक जाएंगे, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु, मैं थोड़ा सा बता दूँ, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर जो खलीफा बने थे जब, तो उनके ज़माने का ये है, ये अंदर का हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने का, ये अंदर है गिलाफ़ काबा, वो उसके इस तरह से बनाया जाता था। तो आप हजरात को इंशाल्लाह मैं गिलाफ़ काबा की हिस्ट्री भी बयान करूँगा, लेकिन आप थोड़ा सा ये देख लें ये किस तरीके से इसको ये बनाया जाता था यहाँ पर। चलें, मैं कसदन भटक जाएंगे हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। ये कदीम ज़माने के अंदर जो है वो जमजम पानी को जो है इसमें से, जैसे अभी तो माशाल्लाह कूलरों में मिलता है ना हमें, लेकिन पहले जमजम इस तरह से निकाला जाता था, जमजम वाटर, और जमजम वाटर की फजीलत आप हजरात को पता है, अलमाऊ जमजम निमा शुरीबला, इस तरह डोल डाल के बिल्कुल ओल्ड स्टाइल में जैसे निकाला जाता था। तो उसमें आप जैसे वो हदीस भी है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माऊ जमजम निमा शुरीबला, कि जमजम का पानी जो है जिस मकसद के लिए पिया जाए उस मकसद में कामयाबी मिलती है, ये खुराक भी है, गिज़ा भी है, और इससे प्यास भी ख़त्म होती है। आप ये देखें जैसे ये जो है ये जैसे वो मशकीज़ा, देखिए आप हजरात जानते हैं कि मशकीज़ा जो लैम्प की उसका बनता था, कि स्किन का ये लोटा, ड्रम, ये सारी चीज़ें जमजम पानी के लिए इस्तेमाल होती थी। देखें ये मशकीज़ा जो है इस तरह से लोग भरते थे और पानी लोगों को पिलाते थे, माशाल्लाह आजकल तो लेटेस्ट वो आ चुका है ना। तो फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही पल को जमजम का जो पानी है वो पीने के लिए, अब देखें ये मोरक्कन वो है, इसी तरीके से जो है वो प्याले इस तरह से जो है सुराई, इसमें जमजम का पानी रखा जाता था, इस तरह से पिया जाता है।